यो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है एकदम फ्रेश और नई वीडियो में। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पहले तो कुछ खाएंगे, थोड़ा लंच का टाइम हो चुका है। लंच के टाइम के बाद मैं जाऊँगा बाल कटवाने थोड़े बहुत ऊपर के। तीन सेट नहीं हो रहे यार यहाँ पे, मेरे को सुन लेना चाहिए। तो मेरे बाल सेट नहीं हो रहे, तो मैं जाऊँगा थोड़े बहुत खाना खाने के बाद बाल कटवाते। तो चलते हैं सीधा खाना खाने की जगह। और आज है 24 तारीख और ये वहीं से ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बता रहा हूँ, मेरे खड़े खड़े पसीने निकल रहे। वैसे आज ही मेरे को ज़्यादा गर्मी लगी, मतलब आज और जब मैं शुरुआत में आया था जब भी इतनी गर्मी थी, वरना ये सारा जब तक बारिश के मौसम था, मतलब बादल थे, बहुत सुहाना मौसम था यार। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, शर्ट हमेशा पानी पानी, मतलब पसीने में ना आ जाती है, ऐसा निचोड़ोगे तो पसीना निकलेगा बाहर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये इसका बात का ध्यान रखना जब भी आप वियतनाम आओगे। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ एरिया में, जब पहाड़ी एरिया है मेरे ख्याल से, जो नॉर्थ और साइड में, वहाँ पे हनोई मतलब बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। तो ये एक न्यू है, बताया नहीं था मेरे को, पर किसी ने बताया था मेरे को, याद नहीं है, या यूट्यूब वीडियो में देखा था हमने, पर देखते हैं। बात सच है कि ये मुझे भी नहीं पता। तो अभी जब चल रहा हूँ मतलब भाई को ढूंढने, मैं थोड़ा खो गया नहीं, मैं थोड़ा अलग निकला था, तो मैंने सोचा थोड़ा आज घूम लूँ अकेला, और वो थोड़ा सा आगे निकल चुके, अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो अभी हम उसी मार्केट के, मतलब जो होलसेल वाली मार्केट थी, उसी के वहाँ से आए। कुछ सामान लिया मैंने अपनी छोटी बहन के लिए, ऑलमोस्ट मेरा 1 लाख का पड़ गया। कीचेन और एक पेन का बॉक्स था, तो कुछ मतलब मैं अभी फ़ोटो डाल दूँगा साइड में, आप देख ले रहा हूँ। ऐसा बहुत अच्छा है कि मैंने अपनी छोटी बहन के लिए ले लिया। और यहाँ पर भी ये सब अंगूर ले रहे हैं, देखते हैं कैसे अंगूर हैं यहाँ के। तो ये अंगूर लिया हमने, हाँ तो अभी अंगूर लिए हमने 50 अंगूर बोलते हैं ना, अंगूर है कच्चे हुए अंगूर है, ये अंगूर लिए हमने यहाँ के, थोड़े बड़े अंगूर है। और ये बड़े वैसे ज़्यादा बता रही थी, तो ये 700 ग्राम थे और 50,000 हमने दिए। ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइस है, थोड़ा है ही है, बट ऑलमोस्ट ठीक है आधे किलो के साथ। अब देखते टेस्ट करके कि कैसा होगा इसका टेस्ट, और मेरा कैमरे का स्वाद जो है ऊपर नीचे होता रहे। गुड इवनिंग गाइस, तो अगला दिन हो चुका है और आज हमारी बस है दनांग की 5 बजे की, और ये हमारा आखिरी दिन है हनोई में, ऑलमोस्ट आधा दिन है। तो और मैं आपको एक, और मैं बाल कटवाने गया था जो ऑलमोस्ट आपके 1 लाख वियतनामी डोंग के कट रहे थे, तो ऑलमोस्ट होगा आपके 300-350 रुपये, जो बहुत ज़्यादा है यार। और मैं आपको एक, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप मतलब चिकन नहीं खा सकते, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी प्लेस बताता हूँ जहाँ पे आप जाके, ये बफेलो हॉस्टल है, इसके सामने ही आपको एक आंटी की शॉप मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी और स्वीट आंटी है। और आपको वेजिटेरियन टोफू इनका होता है पनीर, उसी तरफ से आपको एक खाना मिलेगा, और कुछ ऐसा ही है आंटी का रेस्टोरेंट। तो अभी मैं चलता हूँ और अभी वेट करता हूँ उन सब का आने का, तो सीधा फिर उसके बाद मैं अंदर ले जाऊँगा। अंदर से कुछ ऐसी है शॉप, बहुत प्यारी। और अगर थोड़ी बहुत है ना, मेरे को लगा कि वियतनाम में, मैंने सुना है कि फ़िश ऑयल में थोड़ा ज़्यादा खाना बनाते हैं, तो थोड़ी स्मेल आती है, वो इंडियंस को अच्छी नहीं लगती, सॉरी अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट करा हो। तो कुछ ऐसी शॉप दिखती है, और सबसे आपको बताऊँ, एक टोफू जैसा मैं अभी ऑर्डर करूँगा, तो उसकी क्वान्टिटी भी बहुत है, 2 लोग आराम से उसे खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा आंटी क्वान्टिटी देती है, और आपको बहुत मज़ा आएगा वो क्वांटिटी। आप चॉपस्टिक से भी खा सकते हैं, आपकी चम्मच ये नॉर्मल, और हाँ बहुत ही टेस्टी है वो, और ऐसा नहीं है कि आपको पसंद है। और यहाँ पे स्मेल भी नहीं आती वो वाली, जो अगर फ़िश ऑयल वाली जो होती है, जो बाहर एक्चुअली स्वीट पे आती है, अगर सॉरी फिर से अगर मैंने किसी को हर्ट करा हो, भी ये कहते हैं, क्योंकि हाँ मेरे को और भी इंडियंस ने बताया, और मेरे को भी लगा कि थोड़ी बहुत खाने में से हल्की सी फ़िश ऑयल वाली स्मेल आती है, जो इंडियंस को पसंद नहीं आती, उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं बैठा हूँ, सबका इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद खाना ऑर्डर करते हैं, वही वाला जो खा रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत है, और एक वेज भी है, और वेजिटेरियंस के लिए एक काइंड ऑफ ट्रीट है। तो अभी खाना ऑर्डर करते हैं जब सारे आते हैं। ऐसा खाना आया है
और ये फ्राइड राइस, और ये आज कुछ नया मंगाया दीपक भाई के लिए। दीपक भाई खाएंगे कुछ नया सा, चावल और एक ऑमलेट जैसा लग रहा है, और ये फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस कह रहा हूँ, फ्राइड ऑमलेट जो भी होता है, मेरे को ये पता नहीं, हाफ टेन वगैरह जो बोलते हैं, और ये है तुम्हारे फ्राइड राइस, नींबू और नमक, इसे नहीं खाते। मैं खाना खा के निकला था तो बारिश हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर मैंने अपना फ़ोन जो है वो पिन्नी में रख के अपने छोटे से बटुए में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत, जब बारिश थोड़ी सी बंद हुई तो मैं घूमा इधर उधर। थैंक यू, नो नो थैंक यू। तो यहाँ पे अप्रोच अभी भी चालू हो गई, मैंने कहा रात को चालू होती है, पता नहीं है क्या है यहाँ का। लेकिन आप बिल्कुल स्कैम में मस्त फंसना, आपको बुम बुम बोल के कुछ नहीं होता, ऐसा मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया, और हम इंडियन ही थे कि भैया यहाँ पे ऐसा हो जाता, तो स्कैम से बचना। अगर यहाँ, ये थाईलैंड नहीं है, आप थाईलैंड में, आपको मेरे को नहीं पता, आई डोंट हैव आइडिया, यू कैन गेट अ बुम बुम इन थाईलैंड। मुझे यहाँ का इतना पता है जितना मेरे को बंदों ने बताया, जितनी स्कैम हुआ, ये पैसे ले लेते हैं और कुछ होता नहीं है। कभी कभार तो मैंने ये भी सुना है कि बंदे को फेल भी दिया है, तो मेक श्योर आप भी केयरफुल रहें, स्कैम में ना फंसे। कुछ चंद देर की खुशी के लिए आप अपने सब कुछ लुटाएं या पिट जाएं, तो मेक श्योर। और उसके बाद मैं अपनी, जहाँ से मैंने बस मैंने बुक करी थी, यहाँ हनोई से डनांग के लिए, अब मैं उसके पास गया था, क्योंकि हमारा जो साथ है दीपक भैया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनके सर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई देख ले कि चार्ज चाहिए। उससे पहले तो उन्होंने कहा नहीं हो सकती, लेकिन हमने कहा कि चार्ज लगेगा, उन्होंने 3 लाख वियतनामी डोंग, ऑलमोस्ट 1000 रुपये कह रहे कि लग जाएगा कि आपका। उन्होंने कहा यार रहने दो, इससे बड़े तो थोड़ा सा सर दर्द कह रहे थे, पर 1000 रुपये फिर यहाँ देना, उसके बाद हॉस्टल में देना, ये बहुत दिक्कत हो जाती, तो हमने मना कर दिया। और देखते हैं, अभी मैं हॉस्टल की तरफ ही जा रहा हूँ कि कुछ दीपक को मैं ज़रा दवाई ववाई दूँ अपने बैग में से, क्योंकि मैं दवाई ही मेरे बैग में है, मैं चेक करता हूँ पहले, तो दवाई देखे देखता हूँ हाल चाल कैसे है, उसके बाद ही मैं आपसे बात करता हूँ। वो मिलते हैं इसका हॉस्टल या फिर चल जाते हुए यहाँ से, क्योंकि आप बच चुके हैं ऑलमोस्ट आपके 4:10 बज चुके हैं, 5:30 बजे हमें उधर जाना है ट्रैवल एजेंसी वाले के पास, तो चलते हैं अभी सीधा हॉस्टल, और हॉस्टल से जाते हुए मैं आपको दिखा दूँ।